Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. जो लोगों का फीडबैक मिलता है, जो लोग मिलते हैं, यही कहते हैं कि आप इस शो को कभी बंद मत करना, बस इसीलिए इसी तरह चालू रखना। तो इतना हमें प्यार मिला, इतने आशीर्वाद मिले दर्शकों का, तो बस हम भी लगे पड़े हैं और हंसाते जा रहे हैं। मेरे एक्चुअली मेरी वाइफ इंदौर से है, तो मैं इंदौर में गया था जब भी कुछ साल पहले, तो मेरी वाइफ के सामने वाले घर में जो अंकल रहते थे, जिन्होंने मेरी वाइफ को बचपन से देखा है, हमारे शादी में भी आए थे वो, तो वो मुझसे मिले, बोले कि आपकी सीरियल बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह। मेरी वाइफ भी साथ में बैठी थी, जो उनको जानती थी बचपन से, तो उन्होंने मुझे बोलते बोलते सवाल पूछा, अच्छा वो जो वाइफ का रोल करती है आपकी रियल वाइफ है? तो वो भूल गए थे कि मेरे साथ जो बैठी है, उन्होंने जिनके साथ पली बड़ी है, वो मेरी वाइफ है। लेकिन इस कदर मतलब लोग इस मतलब सीरियल को अपना समझते हैं बहुत। मतलब मैं जब भी कहीं पब्लिक फंक्शंस के लिए जाता हूँ और वहाँ कोई मतलब उम्रदराज कोई लेडी बैठी है, चाची दादी, तो वो ज़रूर अपने बगल वाली कोई लेडी को पूछती है कि भाई सच में इनकी शादी हो गई, नहीं हो तो हमारे पास है, हम ढूंढते हैं इनके लिए। खास तो सभी है, क्योंकि फैन मोमेंट्स देखा जाए तो जैसे मुझे बीच में सर्जन मिले थे, बहुत बड़े बड़े सर्जन थे, वो डॉक्टर्स थे, जो उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग दिन में 3 से 4 सर्जरीज करते हैं, वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती है, तो 2 सर्जरी के बीच में हम लोग तारक मेहता का एपिसोड देखते हैं जस्ट टू मेंटली गेट रिलैक्स्ड। सो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई, क्योंकि आप सर्जरी करने वाले हैं तो आपका दिमाग कितना शांत होना चाहिए, और अगर उसको शांत करने के लिए तारक मेहता का अगर आपको फायदा हो रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे काफी सारे हैं, मतलब जैसे और भी एक है, एक ने मुझे पिक भेजा था अपने पिताजी का, उनका कहीं वो हॉस्पिटल में बैठे तारक मेहता देख रहे, तो नीचे उसने पूरा लिखा था कि माय फादर हैड एन ऑपरेशन, और उनकी जो प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन जर्नी सिर्फ आपकी वजह से बहुत अच्छी रही है, एंड ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे थैंक्स टू ऑल द टीम ऑफ तारक मेहता। तो ये सी, दिस इज वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट फॉर अस। बाद में हमारे यहाँ, मैं दहिसर में एक जगह पे गया था, एक सोसाइटी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके आपको चीफ गेस्ट बुलाने का कारण ये है कि जैसे आपकी गोकुलधाम सोसाइटी है, वैसे हमारे 3 विंग्स ने मिलके इस साल से हमने गणेशोत्सव या नवरात्रोत्सव मनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, हम लोग इतने साल से आपको देख रहे हैं कि आप हर त्योहार कैसे साथ मिलजुल के मनाते, तो हमने भी ये डिसाइड किया कि भाई इस साल से हम लोग हर साल बड़े त्योहार साथ में मिलके मनाएंगे, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था। तो ऐसे काफी सारी मेमोरीज है। दिल को छूने वाले, तो मतलब जब बहुत इमोशनल होके लेडीज लोग जब बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड्स आर्मी में हैं, तो वो लोग वहाँ पे बॉर्डर पे हैं, तो हम लोग अकेले हैं, तो बहुत सारे लेडीज जो डिप्रेशन में चली गई थी, उनके लिए हमारे तारक मेहता के शो ने उनको बहुत, मतलब जब उनको ना एक फैमिली घर में है तो उनको एक बूस्टअप, ये जो एनकरेज करना होता है, डिप्रेशन से बाहर निकालना होता है, ऐसे हमें मैसेजेस बहुत बार मिले हैं, लोगों की दुआएं मिली है, इससे बड़ी बात मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकती। लोगों की जो इमोशनल एक अटैचमेंट हो गई है हम लोगों के साथ, जो बहुत बहुत अच्छा लगता है जब ये सुनते हैं कि आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, हम लोग जिंदा है, हम लोगों को लगता है आप हमारी फैमिली हो, तो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लोगों ने तो ये कहा है कि 8:30 बजे आपकी शो की वजह से सब हमारे घर के मेंबर्स एक साथ आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं, जो भी अपना काम निपटा के जल्दी आ जाते हैं, और 8:30 बजे खाना है टेबल पे बैठ के, जो पहले शायद कभी होता नहीं था, या बीच में वो एक जो पहले जो एकदम पुराने जमाने में जो सिस्टम थी वो चली गई थी कहीं पे, तो ये तारक मेहता ने वापस चीज को ट्रैक पे लाया और लोगों को वापस जुड़ना सिखाया, एक फैमिली को वापस एक साथ लाया, तो ये बहुत अपने में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये भगवान की कृपा है जो ऐसा शो बनाया और उसको अभी तक उसको इतना निखार रहे हैं, तो ये कुछ तो है, गॉड ब्लेसिंग्स डेफिनेटली। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
बहुत रियल मानते हैं हम लोगों को. मतलब एक फनी ऐसा था कि जैसे वो लोग हमें पूछते हैं जब हम लोगों को मिलते हैं कि आपकी सोसाइटी में फ्लैट है क्या, क्योंकि मैं एक तो अचार पापड़ का बिजनेस के साथ वो भी करती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं सच में डीलर हूँ, एस्टेट एजेंट का काम करती हूँ. तो वो मुझे पूछते हैं कि मैम आपके सोसाइटी में कोई फ्लैट हो तो देखिए ना, हमें चाहिए, हम लोग वहां रहने आना चाहते हैं. तो हम लोग कहते भाई वो सेट है, हम लोग जब बालकनी से अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है, लिटरली कुछ बॉल होती है बंद. हाँ. तो ऐसा कोई सच नहीं है, वो हकीकत नहीं है, वो हम लोग शूट करते हैं. तो इनको ना ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये सुनते वक्त लेकिन बहुत फनी और बहुत अच्छा लगता है कि लोग कितना रियल मानते हैं. तो इवन भिड़े और मुझे बहुत बार हस्बैंड वाइफ ही समझते हैं. और हम लोग शुरू में जब हम लोग होटल में रेस्टोरेंट में जाते थे खाना खाने के लिए, और मेरा बाजू में हस्बैंड बैठा है और मंदार सामने बैठा है, उसकी वाइफ बैठी, उसकी फैमिली बैठी है और मेरी फैमिली यहाँ बैठी मेरे साथ, तो वो भी ये भी पूछते हैं कि आप रियल हस्बैंड वाइफ हो ना. मतलब उनको ये भी नहीं पता चलता है कि यार यहाँ मेरी फैमिली बैठी, मेरे बाजू में कोई दूसरा बंदा बैठा है तो वो मेरा हस्बैंड है. तो उनको ये बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन ये मैं समझती हूँ कि ये हमारा मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है उनकी तरफ से. तो बहुत अच्छा लगता है जब सुनते हैं. तो मतलब ये ओवरऑल फनी भी है, इमोशनल कुछ कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स ये भी है. तो ये बहुत अच्छा जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है. फैंस के बहुत सारे क्रेजी मोमेंट्स होते हैं एंड इट्स लाइक यू नो वी आर हियर बिकॉज ऑफ फैंस. फैंस नहीं है तो हम नहीं है, हमारी कोई हम कितना भी परफॉर्मेंस करें उसको अगर अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है, प्यार देने वाला नहीं है. खास करके तारक मेहता ऐसा सीरियल है जिसमें तो हम लोग को प्यार ही प्यार मिला, इतना प्यार मुझे लगता है इंडस्ट्री के किसी लोगों को मिला होगा. तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं. बट व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई वाज नॉट इन द शो फॉर सम टाइम, तो उसके बाद जब मैं लौट मतलब तब तक मैं सीरियल में नहीं थी, मेरी बेबी आई थिंक मुझे लगता 2 महीने की होगी. तो एक अंकल आंटी मुझे मिले, दे वर लाइक अराउंड 75 to 80 इयर्स ओल्ड एंड उन्होंने मैं यहाँ पर पवई हिरन अंदानी में रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एक जगह पे एक गैलेरिया मॉल में मुझे मिले और उन्होंने आके मेरे पैर छुए, उन्होंने मेरे हाथ जोड़े, बोले आप सीरियल में हैं अच्छा नहीं लगता, टॉप पे सजे हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं. मैंने बोला आप ऐसा मत करिए, आपने का काम मुझसे मत करिए, ऐसे मत करिए. मैंने कहा अभी बच्ची छोटी है, भगवान ने चाहे कि मैं आ जाऊंगी करके. तो दिस वॉज वन स्पेशल मोमेंट विच आई रियलाइज कि यार 75-80 ईयर्स के अंकल आंटी देयर टचिंग माय फीट. मैंने क्या पुण्य किए होंगे कि मतलब इट इज यू नो इतनी इतनी स्पेशल मोमेंट था वो. एंड सेकेंडली फिर मुझे याद है एक और सेम ही टाइम पे इंसिडेंट हुआ था जब मेरी बेटी 4 महीने की थी. तो एक लेडी मिली रस्ते में और शी केम एंड शी स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग मी लाइक शाउटिंग एट मी, ऐसे कैसे आपने शो छोड़ दिया, आपकी हिम्मत कैसे शो छोड़ने की, आपको शर्म नहीं आई, लगता नहीं हम फैंस का क्या होगा फलाना ढिकाना. अरे मैंने बोला एक मिनट बब्बा मेरी 4 महीने की बच्ची है. हाँ तो बोले अभी 4 महीने की हो गई ना, अभी वापस आ जाओ. मैंने कहा ओके वेलकम. तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि माय गॉड दिस शो हैज लाइक गिवन मी ग्रेट अमाउंट ऑफ लव. तो फैंस जब तक आप यू नो फैंस नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है. प्लस बिकॉज ऑफ दीज फैंस मतलब बहुत सारे फैंस की वजह से आज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने. ट्रस्ट मी आई हैव मेड मेनी वेरी 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 गुड फ्रेंड्स थ्रू फेसबुक और इंस्टा. यू नो उस टाइम पे ऑर्कुट हुआ करता था बहुत पहले. बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं दो जिनसे मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है. दे आर लाइक I do healing work, so they are like I even mentor them for you know healing and everything. So बहुत अच्छा connection उन लोगों से हुआ. तो of course fans की वजह से तो you know हमें एक press conference के लिए हम लोग अहमदाबाद गए थे और पूरी बस में हम लोग ही थे, artists भी थे और वो पूरी बस हमारे लिए थी special. तो हमको एक particular जगह पे हम लोग रुके, वहाँ पे हम fresh हुए. तो बस से उतरे, अंदर गए तो हमारे पीछे एक बाइक वाला वहां बाहर, उसने बाइक पार्क की, वो भी अंदर आया, लंबे खड़े रह के वो हमें देख रहा था. तो तभी हमें वो रजिस्टर नहीं हुआ. इस कुछ देर बाद हमें रजिस्टर हुआ कि ये हमें तब से फॉलो कर रहा है, अब मैं जो बताने जा रही. फिर वहां फ्रेश हुए, फिर हम सब निकले, फिर दूसरी एक जगह जानी थी, वहां गए हम, कुछ लोगों को मिले, वहां पर भी उस आदमी ने बाइक पार्क की, वो भी अंदर आया था. फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए, वहां पे पीछे एकदम लंबे कहीं वो खड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस.
फिर ऐसे हुआ कि हम लोगों में से कोई जेंट्स या दूसरे लेडी आर्टिस्ट ने देखा कि ये इंसान वहां पर भी दिखा था, दूसरी जगह पर भी दिखा था, यहाँ पर भी दिखा है, तो ये कौन है? Is he associated with any one of us? तो फिर उसे हम बैठने के लिए तो कह सकते हैं, वो कब से खड़ा ही है, कब वहां पर भी वो खड़ा ही था लंबा, यहाँ पे. तो वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स द प्रोडक्शन गाइस अप्रोच्ड हिम और उनको कहा कि आप कहाँ से आए हैं, आप यहाँ 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 दिखे इस ना, आप खड़े हैं कब से, आप बैठना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ. और जैसे हम निकल रहे थे उत्सुकता तो थी जानने की ये है कौन. तो हम में से कोई एक आर्टिस्ट ने उनको पूछा कि भाई आप हैं कौन, किसी के रिश्तेदार हैं क्या है? मतलब आप हमें फॉलो कर रहे हैं, अभी हमें पता चल रहा है. जैसे हमारी बस निकलेगी आप बाइक से हमें फॉलो करेंगे जी, क्या है आप क्यों ऐसा पीछे आ रहे हैं और इतने लंबे क्यों खड़े रहे थे आप? तो उन्होंने कहा सर मेरी बीवी मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छोड़कर चली गई, मेरी शादी को सिर्फ एक ही साल हो गई थी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो चली गई, और घर में वो टीवी नहीं देख पाती थी क्योंकि उसको घर के दूसरे काम रहते थे, नई नई शादी हुई थी तो सबका करना पड़ता था, तो उसे टीवी देखने का मौका नहीं मिलता था. लेकिन जब वो अपने मायके गई तो 8:30 बजे बाकी सब तारक मेहता देखते थे तो वो भी बैठ जाती थी देखने, और उसने देखा कि ये लोग एक दूसरे का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अनबन है इनके बीच में, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में इतनी अच्छी तरह से ये लोग सुलझा लेते हैं, इतनी अच्छी तरह से वो लोग एज अ फैमिली रहते हैं, 6 फैमिली, फिर अब्दुल को भी वो लोग फैमिली मेंबर. तो मैं क्यों अपने हस्बैंड को छोड़कर यहाँ आई? और वो अपने हस्बैंड के पास वापस आई तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ आप लोगों को देखना था और मुझे सिर्फ आप लोगों को थैंक्स बोलना था कि आप लोगों ने बिना कुछ बाहर टीवी के आके मेरे बीवी को एक ऐसा ज्ञान दिया कि अपने फर्ज होते हैं और जो भी अनबन होती है घर में, जो भी हुआ होगा, नई शादी है तो पता नहीं उनके घर में क्या हुआ, हमने पूछा तो नहीं, पर उन्होंने कहा आपने मुझे मेरी बीवी वापस लौटा दी ना, उसके लिए मुझे थैंक्स. तो ये एक फैन मोमेंट था जहाँ हमें हंसने भी आ रहा था और हमें अच्छा भी लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, और थोड़ा बुरा भी लगा कि हम इतने अपने आपे से बाहर निकल जाते हैं कि हम एक सिंपल सी बात जो हम आपस में बैठ के शायद बात करके हल कर सकते हैं उसे हम टाइम नहीं देते, पर उस इमोशन के इसमें बह जाते हैं और उसके ऊपर हम मन में ही कहानियां बनाते जाते हैं. Right. वो रियलाइज भी नहीं हो रहा होता है कि उसका जड़ क्या है, तो वो भी हमें रियलाइज हुआ. और इतना अच्छा लगा ना कि उसे कुछ नहीं, उसे ऑटोग्राफ नहीं चाहिए था, उसे फोटो नहीं चाहिए था, वो बस एकदम उसे पता नहीं कहाँ से पता चला कि हमारी पूरी टीम आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन भी उसे मिलना बहुत बड़ी बात है, पर उसने और कुछ उसने हाथ नहीं मिलाया कुछ नहीं, और उसके बाद फिर उसने हमें फॉलो नहीं किया. उसके बाद हम एयरपोर्ट आने वाले थे, वही बस से हम एयरपोर्ट आए, बट ही वॉज नॉट देयर एट द एयरपोर्ट. तो उसे जो कन्वे करना था ना उसने अपनी, तो ये कुछ बहुत सारे लोग आके मिलके जाते हैं, बहुत सारे लोग, पर कुछ ऐसी कहानियां होती है ना जो आप कभी भूल ही नहीं सकते. अभी कौन भूल पाएगा कि उसकी बीवी कुछ अनबन की वजह से छोड़कर चली गई थी उसे, 1 साल तक वो आई नहीं, एक शादी को 1 ही साल हुआ था और फिर वो चली गई मायके और वहां पे वो देखने लगी, और उसको जो उसमें जो चेंजेस आए देखकर कि ये लोग कितना करते हैं, कितना आपस को संभाल लेते हैं, तो मैं क्यों अपने हस्बैंड से दूर रहूं, और उसका वो रियलाइज होकर आना. इट इज फनी ऑल्सो एंड इट इज एन इमोशनल इंसिडेंट ऑल्सो विच वी विल नेवर फॉरगेट. बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, लेकिन एक फैन मोमेंट अगर मैं कहूँ तो जो मुझे हमेशा याद रहेगा, हम लोग एक इवेंट के लिए गए थे गुजरात में, मैं था, अब्दुल भाई थे, हम लोग एक इवेंट में गए थे. तो इवेंट वगैरह खत्म हुआ, वहाँ से हम लोग, वहाँ पे ऑलरेडी इतना क्राउड था कि हमें निकलने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा था, कैसे कैसे करके हम गाड़ी में बैठ के और वहाँ से इवेंट का जो जगह था वहाँ से निकले. वहां से निकलते ही 15-20 बाइक पे लोग आ रहे पीछे पीछे हमारी गाड़ी के पीछे, फॉलो कर रहे थे. तो,
फॉलो कर रहे थे और उन्होंने कम से कम यू नो 10 किलोमीटर तक फॉलो किया और मुझे गाड़ी में बैठ के यही डर लग रहा कि यू नो वो इतना आगे पीछे फॉलो कर रहे थे जुब जुब करके, तो मुझे लग रहा है भाई कोई टकरा ना जाए, इसलिए फिर थोड़ा आगे जाके अराउंड 10 किलोमीटर जाके मैंने कहा भाई ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक दे, ये लोग ऐसे हमें छोड़ने वाले नहीं है। हम रुके, सबसे मिले, सबसे फोटो क्लिक करवाए, उसके बाद मैंने बोला कि भाई ऐसा प्लीज मत करो, आप अभी जाओ, तब जाके वो लोग गए। तो वो वाला जो मोमेंट था मुझे हमेशा याद रहेगा कि भाई इतने लोग बाइक पे हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, तो बहुत ही क्रेजी मोमेंट था वो।